हेलो दोस्तों, जस्ट डिजाइन में आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको कुर्ती में साइड पॉकेट लगाने के लिए बताएंगे, जो कि हमारे अंदर की तरफ रहेगी और काफ़ी फिनिशिंग तरीका रहेगा हमारे ये पॉकेट लगाने का, ताकि ये जो पॉकेट हमारी रहे बाहर की तरफ ना निकले। क्या होता है, चाक के तरफ से चाक के पास में जब पहनते हैं तो बाहर बाहर निकल जाती है, वो आपकी नहीं निकलनी चाहिए। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लें कि यहाँ पर हमने मार्क के हिसाब से सिलाई कर दी है। तो देखे दोस्तों, साइड की हमने यहाँ पर सिलाई कर दी है, यहाँ पर हमारा चाक है और यहाँ से हमने सिलाई इस तरफ की दे दी है। इसी तरीके से हमने इस तरफ भी सिलाई को देना है, लेकिन इधर की सिलाई को हमें किस तरीके से देना है इसे आप समझें। तो देखे दोस्तों, यहाँ पर हमारा चाक है, तो चाक के पास में हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा चाक है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मार्क लगा दिया है और इसके बाद में चाक वाले मार्क से हमने 1.5 इंची का मार्क लगाना है और इसे भी इस तरीके से क्रॉस कर देना है। अब बताते हैं दोस्तों, ये 1.5 इंच यहाँ पर बंद रहेगा, फिर उसके बाद में 6 इंची हम पॉकेट का मुंह खोलेंगे, जिससे आपका हाथ आसानी से यहाँ पर पॉकेट के अंदर में जा सके। अगर किसी बच्चे की काट रहे हैं तो बच्चे के हाथ के हिसाब से ही पॉकेट का मुंह खोले, अगर किसी बड़े की काट रहे हैं तो 6 इंची ज़रूर रखें, वैसे बड़े की ही ज़्यादा लगती है पॉकेट। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंची में सिलाई कर दी है, तो हम आपको दिखाते हैं, ये सिलाई हमारी 1.5 इंची में हो गई है और इसके बाद में हमने 6 इंची यहाँ पर सिलाई नहीं की है, ताकि यहाँ पर हमारा हाथ जाएगा, पॉकेट बनेगी। तो 6 इंची में हमने यहाँ पर मार्क इस तरीके से लगा लेना है और उसके बाद में ये सिलाई हमने ऊपर तक की दे दी है। तो एक बार आप अच्छी तरीके से देख लें, यहाँ तक हमने सिलाई दे दी है और बीच में हमने यहाँ पर सिलाई, जहाँ पर हमारी पॉकेट रहेगी, तो यहाँ पर हमने सिलाई नहीं दी है। अब हम पॉकेट की कटिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा कपड़ा, जो कि हमने डबल लेयर में लिया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने डबल लेयर में कपड़ा ले लेना है और कपड़े का जो सीधा वाला हिस्सा है इसे हमने ऊपर की तरफ रखना है। तो ये एक बार आप देख लें, इधर हमने उल्टा रखा है, ये पल्ला भी हमारा उल्टा है और ये पल्ला भी हमारा उल्टा है, इसे हम उल्टे की तरफ रखेंगे और ये पल्ले को हमने सीधे की तरफ रखना है। तो अब हम इसमें पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पहले आप इसकी लंबाई और चौड़ाई समझ लें। तो इस लंबाई हमने देनी है 13 से 13.5 इंची और इसकी चौड़ाई हमें देनी है 7.5 से 8 इंची। अगर बड़ी पॉकेट देना चाहते हैं तो और इसकी चौड़ाई बढ़ा दें। अब क्या करना है दोस्तों, कि यहाँ से हम ऊपर से 8 इंची में मार्क लगाएंगे। देख ले, समझ ले दोस्तों, ऊपर से हमने यहाँ 8 इंची में मार्क लगाना है और इसे हम अपनी तरफ इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर हमारा 8 इंची मार्क लगा है और यहाँ पर हम पॉकेट की शेप देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें शेप देनी है। तो इस तरीके से शेप देने से हमें क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से हमें गोलाई में शेप देनी है। तो अब ये जो हमारा मार्क है, यहाँ से भी हम गोलाई इस तरीके से बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर गोलाई बना ली है। तो आप शेप देख लें किस तरीके से हमने इसकी शेप दी है। तो यहाँ से हमने 8 इंची इसका मुंह खोला है और उसके बाद में यहाँ पर हमने इस तरीके से गोलाई दे दी है। तो इस तरीके से गोलाई देने से क्या होता है दोस्तों, कि जब हम पॉकेट में हाथ डालते हैं तो ये हमारी साइड उस तरफ की रहती है और ये हमारी इस तरफ नहीं आएगी, जिससे ये चाक के बाहर नहीं निकलेगी। इसी शेप की काटें। अगर आप चाहते हैं कि और ये हमारी उस तरफ रहे, तो आप यहाँ से और इसका शेप इस तरीके से आगे की तरफ दे सकते हैं। ये वाला शेप आप जितना आगे बढ़ाएंगे तो उतना ही आपकी चाक के अंदर में पॉकेट रहेगी। तो इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी पॉकेट कट कर तैयार है। फिर से हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा सीधे वाला पल्ला है और इसके अंदर जो है हमारा ये उल्टा पल्ला है। तो इस तरीके से आप ज़रूर रखें, नहीं तो आपकी पॉकेट जो अंदर में हाथ घुसाएंगे तो वो हमारा पल्ला उल्टे की तरफ आएगा, इसलिए हमें ये पल्ले को सीधे की तरफ ही रखना है, क्योंकि ये हमारा पलट कर जब हम पॉकेट को पलटेंगे सिलाई करने के बाद में, वो हमारा सीधा आ जाएगा। अब इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है दोस्तों, समझें। तो देखें दोस्तों, यहाँ से आपको 1 इंची छोड़कर मार्क लगाना है और इधर भी आपको 1 इंची छोड़कर मार्क लगाना है।
तो यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। अब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, पूरी गुलाई में होकर यहाँ तक का देंगे जहाँ तक हमारा मार्क लगा है। तो इधर भी हमने मार्क तक की सिलाई देनी है, तो चलिए देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मार्क लगा है, फिर से हम दिखा देते हैं, यहीं से हम सिलाई देंगे, स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि दोस्तों कि हमें पॉकेट लगाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ तक मार्क है, तो यहाँ पर भी हम कप सिलाई को बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे दे ताकि पॉकेट आसानी से पलट जाए। फिर से हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने 1 इंची छोड़कर सिलाई दी है और इधर भी हमने 1 इंची छोड़कर सिलाई दी है। अब हम इसे पलट देंगे। अब इसमें इसके ऊपर हम एक सिलाई और दे देंगे ताकि पॉकेट की मजबूती एकदम अच्छी तरीके से हो जाए। नहीं तो कोई पॉकेट में मोबाइल रखेगा या कुछ भी रखेगा तो वो गिरने का डर है, तो इसलिए पॉकेट को मजबूती देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी है यहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पॉकेट में सिलाई दे दी है और यहाँ पर हमारा खुला वाला हिस्सा है। अब हम कुर्ती को लेंगे, तो ये होगी हमारी कुर्ती। अब हमें जहाँ पर पॉकेट को लगाना है वहाँ पर तो हमने साइड का मार्क इस तरीके से दिया ही हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये शेप का मार्क दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसे आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत से लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। इसी शेप में ही हमें पॉकेट की लगाना भी है ताकि कुर्ती का भी तो शेप हमारा सही से आना चाहिए। तो इसे शेप को आपको ध्यान में इस तरीके से रख लेना है। तो यहाँ पर आप इसी शेप के हिसाब से आप अंदर की तरफ मार्क लगा दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से दोनों तरफ आपको मार्क लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ मार्क लगा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने दोनों तरफ मार्क लगा दिए हैं। अब इसी मार्क से हम पॉकेट को लगाएंगे। तो यहाँ का कपड़ा अगर ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर कम कर दें, नहीं तो आपको पॉकेट लगाने में काफ़ी दिक्कत होगी। और यहाँ पर ऊपर की तरफ कट दे दें, नीचे में भी यहाँ पर कट दे दें। अब ये क्या होगा कि आपको पॉकेट लगाने में सुविधा रहेगी। तो यहाँ पर हमने अंदर की तरफ दोनों तरफ मार्क लगा दिए हैं, आप एक बार अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों। तो दोनों पल्लों में हमने मार्क लगाए हैं और ये हमने सूट की शेप के हिसाब से ही लगाए हैं। अब हम पॉकेट को लेंगे और यहाँ पर हमने पॉकेट को किस तरीके से बैठाना है देख ले दोस्तों। तो ये हमारी पॉकेट हो गई, तो ये पॉकेट हमारी यहाँ पर बैठेगी। तो ये हमने जो 1.5 इंची का मार्क लगाया है यहाँ से यहाँ तक का, जो इसमें हमने सिलाई भी दी है, तो यहाँ पर पॉकेट को आपको 1/2 इंची यहाँ पर नीचे की तरफ बैठाना है। तो इस पॉकेट को आपको 1/2 इंची नीचे की तरफ बैठाएंगे। ये जो हमने कट लगाया था जो गुलाई देने के लिए, तो यहाँ पर हमने 1/2 इंची नीचे की तरफ पॉकेट को इस तरीके से बैठाना है। अब क्या करना है, पॉकेट को आप हल्का से इस तरीके से फोल्ड करें और इसके भी एक पल्ले को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ध्यान देना है दोस्तों, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और नाखून से इसे फोल्ड कर दे। तो इस तरीके से हमने एक पल्ले को यहाँ पर फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से हमें क्या करना है दोस्तों कि ये हमारी पॉकेट हो गई, तो पॉकेट को भी हमारे एक पल्ले को लेना है। तो इस तरीके से आप पीछे की तरफ इसे घुमा दें और इसके भी आपको एक पल्ले को लेना है और यहाँ पर बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया था 1/2 इंची नीचे हम पॉकेट को बैठाएंगे, तो यहाँ पर आपको 1/2 इंची नीचे करके पॉकेट को बैठाना है। और जो एक पल्ले में बैठाना है दोस्तों, पहले हम सामने पल्ले के एक पल्ले में बैठाएंगे पॉकेट को, फिर हम पीछे पल्ले के एक पल्ले में पॉकेट को बैठाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉकेट को बैठाना है। अब हम इसमें सिलाई देंगे, तो इसे हम अपनी तरफ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फिर से आप एक बार देख लें कि एक पल्ले को हमने यहाँ पर लिया है और ये जो हमारा मार्क है
तो आप फिर से आप एक बार देख लें कि ये हमारा जो मार्क है इसी मार्क से हम इसकी सिलाई देंगे। एक पल्ले को हमने यहाँ पर बैठाना है, अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो ये मार्क को आपको ध्यान देना है दोस्तों, इसी मार्क के हिसाब से आप सिलाई दें। और इधर भी आपको एक ही पल्ले को लेना है, इस तरीके से सिलाई देते जाएं। तो देखिए दोस्तों, फिर से हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि इस तरीके से हमने ये सिलाई एक पल्ले में दे दी है। तो और मार्क से हमने ये सिलाई दी है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा मार्क है, मार्क से हमने ये सिलाई दी है। अब पल्ले को इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये पॉकेट आएगी और यहाँ पर हमने फिर एक सिलाई देनी है। तो इसे भी आपको ध्यान देना है कि पॉकेट को आप पहले अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा लें और उसके बाद में इसमें भी सिलाई दे दें। चलिए देते हैं। तो ये हमारा भाग अभी कच्चा है तो इसे हम बाद में पक्का करेंगे, पहले हम इसमें सिलाई दे देते हैं। तो ये ध्यान देना है कि ये सिलाई हम इस पल्ले में दे रहे हैं, ये वाला हमारा पल्ला जो है कच्चा है इसको हम दूसरे पल्ले के साथ में जोड़ेंगे, नीचे वाले पल्ले के साथ में। तो इसे आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले में भी सिलाई दे दी है और ये भाग हमारा कुछ कच्चा है तो इसे आप इस तरीके से पक्का कर लें, हल्का सा आप इसे यहाँ पर फोल्ड कर दें और इसमें सिलाई दे दें। इस तरीके से आप हल्का सा फोल्ड कर दें, थोड़ा सा फिनिशिंग फोल्ड करें दोस्तों, ताकि ये पॉकेट हमारी अच्छी लगे बनने के बाद में। तो देखे दोस्तों, कितनी आसान तरीके से हमने ये पॉकेट को लगा लिया है और यहाँ पर हमारा चाक बन जाएगा। और देख रहे होंगे दोस्तों, ये चाक से हमारी कितनी अंदर पॉकेट है, क्योंकि हमने इस शेप में इसकी कटिंग ही की है जो कि हमारी काफ़ी अंदर की तरफ रहे और बाहर की तरफ ना निकले। अब हम इसे सीधे की तरफ आपको दिखाते हैं, बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पॉकेट हमारी इस तरीके से बनानी है कि साइड में हमें आसानी से यहाँ पर हाथ भी घुसाएं तो और पता नहीं चले कि कहाँ पर हमारी पॉकेट बनी हुई है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।